हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बालों तरह के लिए लिखी गई विकास की नई इबारत ईरानी 18 ml ट्रीटमेंट प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण। बालोतरा के टेक्सटाइल उद्योग को अब मिलेंगे नए पंख बाड़मेर। बालोतरा के टेक्सटाइल उद्योग के लिए आज का दिन इतिहास में इबारत दर्ज करने लायक है। बहुप्रतीक्षित 18 ml ट्रीटमेंट प्लांट के साकार रूप लेने से उद्योग को बल मिलेगा। प्रदूषण नियंत्रण के साथ ही स्थापना की राह प्रशस्त होगी। बालोतरा CETP के JLD प्रोजेक्ट के तहत 132 करोड़ रुपए की लागत से बने 18 ml ट्रीटमेंट प्लांट के उद्घाटन व लोकार्पण के लिए आयोजित वर्चुअल समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने यह बात कही। ईरानी ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि बालोतरा के टेक्सटाइल उद्योग ने बहुत सारे संघर्ष, उतार चढ़ाव व विकट समस्याओं को झेलने के बाद भी अपने वजूद को कायम रखा है। यह सब उद्यमियों के मजबूत संकल्प और इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। केंद्र सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध है। बालोतरा में इस प्लांट के शुरू होने के बाद उद्योग संचालन में सहूलियत मिलेगी, नई इकाइयां स्थापित होंगी, प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने CETP निदेशक मंडल से कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने अपना कार्य कर दिया है, अब आपका दायित्व बनता है कि त्वरिता के साथ इसे सदुपयोग करें। एक लक्ष्य तय करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग टेक्सटाइल यूनिट्स को प्लांट से जुड़वाएं ताकि प्लांट की सार्थकता सिद्ध हो सके। उन्होंने कहा कि कुल लागत 132 करोड़ में से केंद्र सरकार 66 करोड़ रुपए प्रदान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि $360 बिलियन के वैश्विक बाजार में टेक्सटाइल उद्योग अपनी कितनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है यह प्रयास रखे। वर्ष 2020 से 2021 में कपास खरीद के लिए 18 लाख किसानों के बैंक खातों में 26,720 करोड़ रुपए और राज्य में 1.5 लाख किसानों के खातों में 2,586 करोड़ रुपए केंद्र सरकार प्रगतिशील किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े उद्यमियों को तकनीकी जानकारियां दी जाए। अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बालोतरा टेक्सटाइल उद्योग के इतिहास व संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बालोतरा का रंगाई, छपाई व पॉपलिन उद्योग पूरे भारत में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ के उद्यमियों, मजदूरों के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस उद्योग को अपनी हिम्मत के बल पर जिंदा रखा है। चौधरी ने कहा कि जो प्रदूषण समस्या से NGT की तलवार झूल रही थी, उद्योग बंद और उद्यमी व श्रमिक पलायन कर रहे थे, तब टेक्सटाइल उद्योग, किसानों, मजदूरों के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। इसके लिए आंदोलन के दौरान उन्होंने 31 दिन तक आमरण अनशन किया, जेल भी गए। अब 18 ml प्लांट का सपना साकार होने से बालोतरा के वस्त्र उद्योग को नए पंख लगेंगे, रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। रोजगार के नए द्वार खुलने से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। वहीं प्रदूषण की कारगर तरीके के रोकथाम होने से किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ ही पर्यावरण व किसान हितु की रक्षा भी जरूरी है। राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने कहा कि बालोतरा में प्रदूषण की बड़ी समस्या थी। NGT की ओर से बार बार चेतावनी मिलती थी, लेकिन अब इस प्लांट के निर्माण से प्रदूषण की समस्या व समाधान होगा। औद्योगिक विकास को बल मिलेगा और उद्यमियों व किसानों को समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। मीना ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के कारण उद्यमी परेशानी झेलते हैं। उद्योग को बढ़ावा देने व उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए एक छत के नीचे तमाम संबंधित विभागों से अधिकारियों को बैठाकर समस्या का समाधान करने का नवाचार होने पर काफ़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नियमों में सरलीकरण के साथ ही रियायत भी देगी। उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन बाणमिया ने कहा कि बालोतरा उद्योग के लिए यह प्लांट सौगात साबित होगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी टेक्सटाइल उद्योग संचालित है, वह ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने से औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए उद्योग विभाग उद्यमियों को स्वागत करता है और सरकार सहयोग के लिए संकल्पबद्ध है। विशिष्ट अतिथि पचपदरा विधायक ने कहा कि बालोतरा उद्योग के लिए बहुप्रतीक्षित 18 ml ट्रीटमेंट प्लांट एक स्वर्णीय सपना था जो आज साकार हुआ। कोविड महामारी व लॉकडाउन जैसे प्रतिकूल हालातों के बावजूद कम से कम समय में प्लांट तैयार हुआ।
इससे संचालित इकाइयों के साथ ही नए उद्योगों की स्थापना की राह प्रशस्त होगी। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर बालोतरा के कपड़ा उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, यह जरूरी है। विचारधारा और राजनीति के दरकिनार कर और वाद विवाद को ताक पर रखकर हम सभी एकजुटता के साथ वस्त्र उद्योग की मजबूती के लिए जुटे, तभी यहाँ का वस्त्र उद्योग विकास की नई ऊंचाइयां छू सकेगा। टेक्सटाइल विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी यूडी सिंह ने भी संबोधित करते हुए तकनीकी जानकारियां दी। बालोतरा सीटीपी के चेयरमैन सुभाष मेहता स्कोप ने स्वागत भाषण में केंद्र व राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अल्ट्रा एमएलडी प्लांट के निर्माण से वस्त्र उद्योग में प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीटीपी को पाबंदियों के बीच संतुलन के साथ उद्योगों को संचालन करना पड़ रहा था। मेहता ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता व दायित्व है। केंद्र व राज्य सरकार ने हर संभव सहयोग दिया। यह सपना साकार होने से बालोतरा आज विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। सीटीपी सचिव मनोज चोपड़ा बीआई ने कहा कि 18 एमएलडी ट्रीटमेंट प्लांट का यह वट वृक्ष उद्यमियों के विकास व सहयोग की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। उद्योग व पर्यावरण हित के साथ ही सीटीपी सामाजिक सरोकारों में भी हमेशा अग्रणी रहा है। गत वर्ष कोविड के दौरान सीटीपी ने राज्य सहायता कोष में 1 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री रिलीफ कोष में 31 लाख रुपए प्रदान किए थे। इस दौरान केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी व उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने वर्चुअल समारोह के दौरान रिमोट से बटन दबाकर प्लांट व उद्घाटन पट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बालोतरा इंडस्ट्रीज पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया। वर्चुअल समारोह में अतिथि के रूप में वन पर्यावरण व जिला प्रभारी मंत्री सुखराम विश्रोही भी शामिल रहे। सीटीपी उपाध्यक्ष रमेश भाया ने आभार ज्ञापित करते हुए इस उपलब्धि को बालोतरा के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। वर्चुअल समारोह के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, पूर्व मंत्री अमरा राम चौधरी, सीटीपी निदेशक सुभाष मेहता स्कोप, सचिव मनोज चोपड़ा बीआई, उपाध्यक्ष रमेश भाया, नगर परिषद सभापति श्रीमती सुमित्रा जैन व सीटीपी पदाधिकारियों ने 18 एमएलडी ट्रीटमेंट प्लांट में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजन किया। क्षेत्रीय प्रबंधक सुधीर माथुर, वरिष्ठ अभियंता राजेश व्यास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओआर अमित जोयल व तकनीकी अधिकारियों ने आवश्यक जानकारी दी। यह रहे मौजूद उद्घाटन व लोकार्पण समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी विश्रोई, कार्यवाहक उपखंड अधिकारी सुरेंद्र कुमार खच्चा व सीटीपी के पूर्व चेयरमैन रूपचंद सालेचा नवकार, कोषाध्यक्ष कांतिलाल जीरावला, बालोतरा टेक्सटाइल हेड प्रोसेसर मशीनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष गनी मोहम्मद सुमरो, बिटूजा ट्रस्ट उपाध्यक्ष चेलाराम चौधरी, नगर परिषद के पूर्व संभावित रतन खत्री, नगर परिषद के पूर्व सभापति रतन खत्री, धनराज चोपड़ा सहित सीटीपी पदाधिकारी, उद्यमी, जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। समारोह का सफल संचालन प्रमेंद्र बाफना ने किया। बारमेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।